और डीजल की कीमत में इजाफे का दौर जारी है। शनिवार को पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमत में 80-80 पैसे का इजाफा किया गया, जिसके बाद लोगों की जेब पर बोझ बढ़ता दिख रहा है। पिछले 10 दिन में पेट्रोल 6.5 रुपए तो डीजल 5 रुपए तक महंगा हो चुका है। वहीं सीएनजी की कीमत में उछाल भी अब लोगों के माथे की शिकन बढ़ाने लगा है। वहीं जानकारों की माने तो अभी पेट्रोल डीजल की कीमत में बढ़ोतरी जारी रहने वाली है। महंगाई एक बार फिर बेलगाम हो गई है और जनता त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है। महंगाई के विरोध में समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए हैं। कानपुर में ताली और थाली बजाकर सपा के विधायकों ने सरकार पर निशाना साधा। बढ़ती महंगाई अब विपक्ष का बड़ा हथियार बनता चला जा रहा है। लगातार विपक्षी दल सरकार को महंगाई को लेकर घेर रहे हैं और आपको कानपुर की तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ पर समाजवादी पार्टी आज ताली और थाली प्रदर्शन कर रही है। समाजवादी पार्टी की अगुवाई कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के आरनगर से विधायक अमिताभ वाजपेयी अपने समर्थकों के साथ बैठे हैं बड़ा चौराहे पे भारत माता प्रतिमा के नीचे और ताली थाली बजा रहे हैं और विरोध जता रहे हैं। बैनर जो लगा है उसमें साफ लिखा गया है कि चुनाव के बाद से लगातार सरकार द्वारा घरेलू कमर्शियल रसोई गैस के सिलेंडर पेट्रोल और डीजल के दामों में चोरी छिपे बढ़ोतरी की जा रही है और इस बढ़ोतरी का विरोध करने वाला प्रदर्शन यानी ताली और थाली का प्रदर्शन समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे हैं। क्या क्या महंगा नहीं हुआ है, तेल से रेल तक और सिलेंडर से सब्जी तक सब कुछ तो महंगा है। कानपुर में सपा नेताओं ने ताली पीटी तो प्रयागराज में कांग्रेस के नेता सड़क पर उतर आए। सिविल लाइन्स इलाके में मार्च निकाला गया। कानपुर हो या प्रयागराज, लखनऊ हो या गोंडा, हर जगह आम आदमी महंगाई से परेशान है। चुनाव के बाद पेट्रोल डीजल की कीमत बिना रुके बढ़ती जा रही। रसोई गैस के सिलेंडर का दाम भी बेलगाम है। गोंडा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डीजल और रसोई गैस की अर्थी निकाल दी। महंगाई को लेकर विपक्ष एक बार फिर लामबंद हो रहा है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, जनता कह रही है कि 80 पैसे प्रतिदिन या लगभग 24 रुपए महीने के हिसाब से पेट्रोल के दाम यूं ही बढ़ते रहे तो अगले जो चुनाव नवंबर दिसंबर में होंगे, इस बीच 7 महीने में दाम लगभग 175 रुपए बढ़ जाएंगे। मतलब आज के 100 रुपए लीटर से बढ़कर पेट्रोल 275 रुपए लीटर हो जाएगा। ये है भाजपाई महंगाई का गढ़। पेट्रोल डीजल और सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी से आम आदमी का बजट अब बिगड़ रहा है। लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी जारी है और इसका असर जो है अब वो किराए पर भी पड़ता हुआ देखा जा सकता है। जो लोग बाकी सर्विस क्लास हो या बिजनेस क्लास, सभी इससे प्रभावित हो रहे हैं। आप देख सकते हैं राजधानी लखनऊ की अगर बात करें तो सादा पेट्रोल 102.45 रुपये प्रति लीटर हो चुका है, यानी अगर आप 500 रुपये का पेट्रोल डलाते हैं तो 5 लीटर पेट्रोल भी आपको नहीं मिलेगा। वहीं जो प्रीमियम क्वालिटी है वो 107.80 रुपये आज रेट हम देख पा रहे हैं। चुनाव तक महंगाई का मीटर बिल्कुल शांत था, लेकिन नतीजे आने के कुछ दिन बाद ही महंगाई का कांटा तेजी से भाग रहा है। लखनऊ से शैलेश अरोड़ा और कानपुर से रतीश त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।